मुझे ये जान के काफी खुशी हुई है कि कल का DIY आप लोगों को बहुत पसंद आया है और आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रही है। कौन सा चैलेंज, कैसा चैलेंज, नए है, समझ नहीं आ रहा है ना? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं हमारे चैनल पे लेके आई हूँ 6 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज। कल एक वीडियो जा चुका है, मिस कर दिया ना आप लोगों ने, तो जाइए उसको देखिए। आज का 2nd डे है। इन 6 डेज के अंदर अंदर हमारा क्या टारगेट होगा कि हम अपने बालों को हेल्दी बना पाए, हम अपने बालों को लंबा बना पाए, हम अपने बालों को वैसा बना पाए जैसा कि हम चाहते हैं। और ये 6 डेज आपके लिए अमेजिंग रहेंगे, क्योंकि मैं भी करूंगी, आप भी करेंगे, आपके बाल भी हेल्दी बनेंगे, मेरे बाल भी हेल्दी बनेंगे और ज्यादा हेल्दी बनेंगे। और इस 6 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज को लेके आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, ये मेरा वादा रहा। लेकिन उसके लिए आपको ये चैलेंज लेना पड़ेगा। लगातार जो भी डे टू डे मैं आप लोगों को बताऊंगी, वो सारा आपको जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे वैसे करता जाना पड़ेगा। आज 2nd डे है। कहाँ गया, मैंने पहले यहाँ पे रखा था, अब मैंने यहाँ पे रख दिया। तो ये है आज का हमारा हेयर शेव। ओके, देखिए मैं एक चीज दिखा रही हूँ, जब आप इसको रखेंगे फ्रिज के अंदर तो इसके नीचे ना हल्के हल्के यहाँ पे पार्टिकल्स आ जाएंगे, मतलब कि ये जो इंग्रेडिएंट्स मैंने इसके अंदर लिया है ये यहाँ पे बैठ जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल है, कहीं आप सोचेंगे कि वो खराब हो गया है। बस आपको क्या करना है, जैसे ही आप इसको लगाएंगे अपने हेयर पे, आपको इस तरीके से इसको शेक कर लेना है ताकि जो नीचे बैठा हुआ आपका जो इंग्रेडिएंट्स है, जो प्रोडक्ट है, वो अच्छे से पानी के अंदर मिक्स हो जाए और वो आपको अपने बालों पे पूरा बेनिफिट दे पाए। तो ये है आपका हेयर ग्रोथ शेव, ये आपके बालों को हेल्दी बनाएगा और ये आपके बालों को लंबा बनाने का काम करेगा। उसके साथ साथ बहुत सारे फायदे हैं जो कि हम इसको बनाते हुए डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू कर देते हैं। और इसको बनाने के लिए मेरा फेवरेट, मेरा अमेजिंग सा आपको इंग्रेडिएंट्स लेना है, चावल। चावल कुछ याद आया, या वुमेन्स, पता है या वुमेन्स के बारे में? बहुत बार बता चुकी हूँ, नहीं पता है जाके गूगल करके देख लें कि या वुमेन कौन है और वो अपने बालों पे क्या लगा रही है फिलहाल भी। ओके, तो आपको चावल लेना है। चावल क्या करता है, देखिए इसके अंदर प्रोटीन होता है, ज्यादा तो नहीं होता है लेकिन जितने आपके बालों की रिक्वायरमेंट होती है उतना प्रोटीन इसके अंदर जरूर होता है। इसके अंदर 70% पानी होता है, यानी कि जब तक आपके बालों की ब्रिकेज नहीं हटेगी, जब तक आपके बाल लंबे नहीं बनेंगे, ये लिख के ले लीजिएगा। क्योंकि आप रेमेडी अप्लाई करते रहेंगे, आपके बाल बीच में से टूटते रहेंगे और आप सोचेंगे कि आपके बाल लंबे हों लेकिन वो बीच में से टूटते जाएंगे। अब जो ये ब्रिकेज है ना, ये कौन कंप्लीट करेगा, कौन हटाएगा? राइस वाटर इतना पावरफुल होता है। आपके बालों को कौन लंबा करेगा? राइस वाटर इतना पावरफुल होता है। तो आपको एक मुट्ठी के करीब चावल ले लेना है, सिर्फ एक मुट्ठी के करीब। आप किसी भी ब्रांड का चावल ले सकते हैं, अगर बासमती है तो और ज्यादा बेस्ट होगा, वो ज्यादा रिजल्ट देगा आपके बालों पे। उसको क्या करना है, अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि जो उसके ऊपर डस्ट है, धूल मिट्टी जो भी है, हमें नहीं पता है लगी हुई है नहीं लगी हुई है, लेकिन हमारे सेफ्टी के लिए हम उसको वॉश करेंगे। 2-3 बार अच्छे से आपको उसे वॉश कर लेना है। और फिर क्या करना है, जितना मैंने लिया है ना कप, इसी कप में आपको एक मुट्ठी चावल डाल के पूरी रात भर के लिए इसको भिगो के छोड़ देना है, ढक के रख देना है। जैसे ही सुबह उठेंगे तो हमारा जो फर्मेंटेड राइस वाटर है वो हमें मिल जाएगा। लेकिन ऐसे ही तो इसे यूज नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसे स्टोर करने की, और स्टोर करने के लिए आपको इसे गर्म करना पड़ेगा चावल के समेत, इसको उबालना पड़ेगा। तो ये जो गिलास हमने कप लिया है, इसे जब तक हम उबालेंगे, जब तक कि हमारा ये कप आधा न रह जाए, आपको उबालते जाना है। जब आपको लगे कि आधा पानी आपका उठ चुका है और आधा पानी आपका बचा हुआ है, तो आप पानी को हल्का सा ठंडा करके आप अपने दोबारा उसी कप में डाल लें। ठीक है, आप देख सकते हैं मुझे आधा कप पानी मिल चुका है। अब हम इसके अंदर क्या डालेंगे, अब अपने बालों को हल्का सा मॉइस्चराइज करने के लिए, अपने बालों को थोड़ा सा हेल्दी बनाने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे कोकोनट ऑयल। बाकी और कोई ऑयल आप इसके अंदर नहीं डालेंगे। कोकोनट ऑयल हम क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि कोकोनट ऑयल इतना पतला होता है कि जब आप इसको राइस वाटर के साथ ऐड करेंगे, इसको इसके साथ मिक्स करेंगे, तो पता ही नहीं चलेगा कि ये कब पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा और एक बहुत ही प्यारी सी कंसिस्टेंसी आपकी आ जाएगी। आप हल्के से गुनगुने राइस वाटर के अंदर कोकोनट ऑयल डालेंगे तो अच्छे से ये आपका मिक्स हो जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि इसको लगाने के बाद आपको ऑयली लुक तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कोकोनट ऑयल पानी के साथ मिलके पानी का ही रूप ले लेता है, ऑयल की तरह इफेक्ट नहीं डालता है। आपको हल्के से आपके बाल बस हाइड्रेट लगेंगे, इसीलिए कोकोनट ऑयल डालना कंपलसरी है।
उसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे, देखिए हल्की सी फ्रेग्रेंस के लिए हम यहाँ पे रोज वाटर का यूज करेंगे, हल्की सी फ्रेग्रेंस के लिए, क्योंकि जैसे ही राइस वाटर फर्मेंटेड होता जाता है हम स्टोर करके रखेंगे तो इसमें एक हल्की सी स्मेल ना आए, उसके लिए हम रोज वाटर। और रोज वाटर आपके बालों को सॉफ्ट बनाता है। पीएच लेवल डिस्टर्ब हो चुका है, जैसे अभी मॉनसून सीजन चला हुआ है, बहुत सारी लड़कियों को ऑयल आ जाता है, स्वेट ज्यादा आता है, तो उसको ठीक करने के लिए हम यहाँ पे किस चीज का यूज करेंगे, रोज वाटर का। किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे पतंजलि का यूज कर रही हूँ लंबे टाइम से और इसने मेरे बालों पे काफी अच्छा रिजल्ट दिया है। आप गुलाबरी यूज कर सकते हैं, जिस भी ब्रांड का, डाबर का आप यूज कर सकते हैं, जिस भी ब्रांड का यूज करना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक चम्मच के करीब आपको इसके अंदर डाल देना है। अच्छे से तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है। अब लास्टली आपको इसके अंदर क्या डालना है, आपको इसके अंदर डालना है एलोवेरा जेल। आप ज्यादा बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, आप मेरे पास जो स्पून देख रहे हैं ना, इसका 1/4 हिस्सा हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। 1/4 हिस्सा डालने के बाद अच्छे से आपको मिक्स करना है, बहुत अमेजिंगली तरीके से मिक्स करना है, कम से कम 5 मिनट के लिए, और आपका जो हेयर सीरम है वो बनके तैयार हो जाएगा। और उसे आप एक स्प्रे बोतल में भर लेंगे, बाकी जो मेरे पास बच गया है इसको भी मैं फ्रिज के अंदर रख दूंगी, क्योंकि कांच का कंटेनर है और इसके अंदर बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, और कुछ मैं भर लूंगी स्प्रे बोतल के अंदर, और ये स्प्रे बोतल मेरे पास आ चुकी है। अब ध्यान से सुनिएगा कि आपको इसे यूज कैसे करना है। आप जिस दिन हेयर वॉश करते हैं, जैसे हमने कल हेयर वॉश किए थे, है ना, किए थे ना, किस किस ने किए थे, इंस्टाग्राम पे पिक सेंड कर दीजिएगा। तो हेयर वॉश करने के तुरंत बाद जैसे ही आपके बाल हल्के से वेट होते हैं, वैसे ही आपको ये सीरम लेना है और अपनी स्कैल्प से लेके अपने पूरी हेयर लेंथ पे इसको अच्छे से स्प्रे कर लेना है। स्प्रे इतने अच्छे से करना है कि आपकी हर एक जड़ तक, बालों की जड़ों तक ये हेयर सीरम जाए, पूरी हेयर लेंथ पे लगाना है। और जैसे ही आप लगाएंगे या फिर आप मुझे देख सकते हैं कि इमीडिएटली आपके बालों में एक शाइन आ जाएगी, आपके बाल हाइड्रेट दिखेंगे, आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, आपके ड्राई डैमेज बाल रिपेयर हो जाएंगे, आपके बाल लंबे बनेंगे और आपकी जो ग्रोथ है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये सीरम आप लोगों को बनाना है और लगाना है। 1 वीक के लिए फ्रिज के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, हर रोज आपको ये सीरम नहीं लगाना है। जिस दिन आप हेयर वॉश करेंगे सिर्फ उसी दिन आप ये वाला हेयर सीरम यूज करेंगे। हाँ, अगर और दिन आप यूज करना चाहते हैं तो स्कैल्प पे नहीं लगाएंगे, सिर्फ हेयर लेंथ पे आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा डे 2 जो कि कंप्लीट होता है इस हेयर सीरम के साथ। कल वाला वीडियो देखना है, रेमेडी देखनी है, जो आपको लगातार 3 हफ्ते में 3 दिन लगानी है, और 3 दिन जब आप लगाएंगे हेयर वॉश करेंगे, तीनों दिन आपको ये सीरम भी लगाना है, ओके। अब कल क्या देंगे वो तो कल ही जानेंगे, कल कौन सी वीडियो लेके आऊंगी मैं आप लोगों के लिए। ये था आज का छोटा सा प्यारा सा वीडियो, आशा करती हूँ कि ये चैलेंज आपको पसंद आ रहा होगा, आप कर रहे होंगे, और आपका जो भी फीडबैक होगा वो मेरे साथ शेयर करना है। ये था आज का छोटा सा प्यारा सा वीडियो, आई थिंक आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय।